Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall give you assignment, and only few of the students can solve the questions and send the PDF format in the Google Classroom. And no one student ask any of the questions, which represents that nobody can done the work properly. Because there is some questions in which student stuck and the questions create problem for the students. But unfortunately, most of the students didn't done the homework on time. So I warn you, if you doing such type of mistakes again, then you will be removed from the Google Classroom. यदि आप लोग टाइम से होमवर्क नहीं करेंगे, उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो हम आपको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह से जानेंगे कि किस में प्रॉब्लम आ रहा है? पूछे जाने पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है. तो सभी लोग ऑन टाइम वर्क करिए, देखते रहिए वीडियोस, और जो भी शेड्यूल्ड है उस दिन आपको कोई ना कोई वीडियो या होमवर्क ज़रूर मिलता है, उसको कंप्लीट करिए. और दो तीन दिन का टाइम होता है, आराम से भेज लीजिए, ताकि हम भी जो है आने वाले टर्न पर जो है जो भी उसमें दिए गए क्वेश्चंस में डाउट हो उनको हम दूर कर सकें. और पिछले क्लासेस में हुआ भी है, जिन बच्चों ने जो भी पूछा है उसको बताया गया है. अभी फ़िलहाल मैं जो है उसी दिए गए असाइनमेंट से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ. जैसे पूछा हुआ है, हाउ इज़ द फोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट. हाउ, किस तरह से फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है? तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन, बॉडी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी को चेंज करता है, ठीक है, वो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. मीन्स अगर हम वेलोसिटी के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, ठीक है, और अगर हम उसके अलोंग फोर्स लगाएंगे तो इनक्रीज होगा, ठीक है ना. तो डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी नॉट जीरो, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स? अनबैलेंस फोर्स ये होगा. इन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, विल द बॉडी रिमेन नेसेसरली एट रेस्ट. कह रहा है कि किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस का जो सम है जीरो, तो क्या वो नेसेसरली रेस्ट में रहेगा? तो कोई ज़रूरी नहीं है किसी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स हो. यदि वो मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो वो रिमेन मूव करता रहेगा, कोई यहाँ पर नेसेसरी नहीं है. कैन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जर्ट अ फोर्स? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो है फोर्स को जनरली एग्जर्ट नहीं करेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स में जाएंगे तो वहाँ हो सकता है, लेकिन जो जनरल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. अगला दिया, इन अ टग ऑफ वॉर टू टीम्स आर पुलिंग रोप विद इक्वल फोर्स सो दैट रिबन ऑन द रोप इज हेल्ड एट द सेम पोजिशन, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द रोप? तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगा, और रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा. व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कंक्लूजन क्या है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन ये है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, जब तक कि उस पर फोर्स ना लगाया जाए. इट मीन्स तब तक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा. देखिए, अब मैं आंसर बता रहा हूँ. द कंक्लूजन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज द ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स स्टेट वेदर और अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाया जाएगा, तब तक जो है वो क्या होगा, अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा. मतलब मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा और रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा. और डिफाइन वन न्यूटन, वन न्यूटन को डिफाइन किया था हमने. और देखिए, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है ना, एम की वैल्यू वन हो और एक्सेलरेशन की भी वैल्यू वन हो, तो एफ की वैल्यू वन न्यूटन हो जाता है. ठीक है, तो बोलेंगे वन न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस
acceleration on the body of mass 1 kg, acceleration 1 on the body of mass 1 kg, then the force is said to be 1 newton. ठीक है, अगला दिया हुआ define one dyne. देखिए dyne जो होता है CGS unit होता है, जान लीजिए CGS unit of force is dyne. CGS unit जो है फोर्स का वो dyne है, ठीक है ना. अब जो है CGS यूनिट जो फोर्स का डाइन है, डाइन CGS मतलब समझ लिया गया है, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, यानी लेंथ है तो सेंटीमीटर में, मास है तो ग्राम में, और टाइम है तो सेकेंड में. अब फोर्स की हम बात करें तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. केजी को हम बदल दें ग्राम में और मीटर को बदल दें सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बदल दें हम सेकेंड स्क्वायर में, तो ये हमारा फोर्स का यूनिट बन जाता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना. इसी को हम डाइन कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं, ठीक है. तो इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है, मास 1 ग्राम हो और एक्सिलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो फोर्स क्या बन जाएगा, 1 dyne बन जाएगा. तो बोलेंगे 1 dyne इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम. फिर से सुन लीजिए, 1 dyne इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑफ 1 ग्राम. यानी 1 ग्राम की बॉडी में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन कोई फोर्स प्रोड्यूस कर देता है तो वो फोर्स क्या होगा, 1 dyne होगा, ठीक है. SI एंड CGS यूनिट ऑफ मोमेंटम दिया हुआ है, तो देखिए मोमेंटम P इज इक्वल्स टू होता है एम वी, मास होता है ग्राम में और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड में, ग्राम मीटर पर सेकेंड, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड होगा. ये होगा हमारा SI सिस्टम में, और CGS सिस्टम में जो होगा वो हो जाएगा केजी बन जाएगा ग्राम में, मीटर बन जाएगा सेंटीमीटर में, पर सेकेंड तो सेकेंड में ही रहे, ग्राम पर सेंटीमीटर इन CGS हो जाएगा ये. व्हाट फिजिकल क्वांटिटी मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन कौन मेजर करता है, किस क्वांटिटी में मोशन हो रहा है ये मेजर करता है हमारा मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम मेजर करता है. व्हाट इज कोलिजन, कोलिजन मीन्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स स्ट्राइक विथ वन अनदर देन दैट फेनोमेना इज कॉल्ड कोलिजन, राइट. ऑफ वन एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस फोर्स रिक्वायर्स टू चेंज द शेप ऑफ बॉडी, तो वन एग्जाम्पल हमें बताने हैं, वन एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स विच चेंजिंग द शेप ऑफ द बॉडी. जैसे फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो, उसको दोनों हाथों से हम अगर पुश करें तो इक्वल फोर्स हम लगाते हैं बट उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. वाई इट इज ईजियर टू स्टॉप टेनिस बॉल देन अ क्रिकेट बॉल मूविंग विद द सेम स्पीड. टेनिस बॉल, देखिए फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, मीन्स टेनिस बॉल जो होते हैं वो हल्के होते हैं, क्रिकेट बॉल जो होता है वो उसका वेट ज़्यादा होता है. आपको पता है मोमेंटम, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्रिकेट बॉल का मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो टेनिस बॉल का मोमेंटम कम होगा, तो टेनिस बॉल का मोमेंटम कम है उसके मोमेंटम को जीरो लाने के लिए हमको चेंज क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कम ही करना पड़ेगा. जबकि जो लीनियर फोर्स है उसके मोमेंटम को अगर हमें चेंज करना है तो क्या करना होगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा. तो इस तरह से यहाँ पर हम आंसर बताएंगे, सिंस टेनिस बॉल इज लाइट वेट एंड क्रिकेट बॉल इज मैसिव देन द टेनिस बॉल, दैट्स व्हाई द मोमेंटम ऑफ द क्रिकेट बॉल इज हायर व्हाइल द टेनिस बॉल इज लोअर, एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यू फोर्स और स्मॉल फोर्स to bring the tennis ball zero, to bring the momentum zero. That's why
द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे में जोड़ देंगे, इट इज़ ईजियर टू स्टॉप द टेनिस बॉल. आगे हम बोलेंगे, क्वेश्चन है व्हाट हैज़ टू बी अब्सेंट फॉर लीनियर मोमेंटम टू बी कंजर्व. व्हाट हैज़ टू बी अब्सेंट फॉर लीनियर मोमेंटम टू बी कंजर्व. ओ एक्सटर्नल फोर्स इज अब्सेंट. एक्सटर्नल फोर्स अगर आ जाएगा सिस्टम पर तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक है ना. तो हियर एक्सटर्नल फोर्स इज अब्सेंट फॉर द लीनियर मोमेंटम टू बी कंजर्व. अंडर व्हाट कंडीशन डज फ्रिक्शन एग्जिस्ट. तो फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये आप फ्रिक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है. बाकी के क्वेश्चंस में मैं एक बार देख लेता हूँ कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने लायक है, उनको डिस्कस कर लेता हूँ. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, पहले से लेकर 12th तक तो सारे क्वेश्चंस आपको लिखाए गए हैं और बताए भी गए हैं. फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना. और बाकी के जो है न्यूमेरिकल्स हैं, फिर से एक बार मैं चांस दे रहा हूँ कि आप सॉल्व करिए. और सॉल्व करके जैसे ही आपको पता चले कि ये हमसे नहीं हो पा रहा है, अप टू सैटरडे 10 AM 10 बजे सुबह तक सैटरडे को आप अपने कमेंट बॉक्स लिख दीजिए. जितने भी क्वेश्चंस आए रहेंगे उनका मैं एक वीडियो आपको ट्यूसडे वाले टर्न पे दे दूंगा, जिससे पता लग सकेगा कि कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. और यदि कोई डाउट नहीं होगा तो मैं जो है सैटरडे को जो है आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का असाइनमेंट दे दूंगा. फिर मंडे को जो है ट्यूसडे को जो हमारी अगली क्लास होगी, हम जो है उसमें ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, यदि आपके डाउट नहीं आए तो. ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट मस्ट सॉल्व द डाउट्स एंड देन सेंड द क्वेश्चंस विच क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर यू. सो नाउ दिस क्लास इज ओवर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.